लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके लेडीज, हेलो लेडीज। चलिए हमारे बेहतरीन कलाकार के लिए अमित सोनी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। मुझे मालूम है, मैं जब भी आती हूँ आप ये सोचते हैं इस बार बोलेंगी ये कि अब आ रहे हैं। क्या कहते हो पीछे से, क्या करें, आपके प्यार मोहब्बत ने ट्रैफिक इतना जाम कर दिया, बिल्कुल समय जाम कर दिया आज हमारे कोटा वालों ने। कितने बज रही है यार? तालियां बहुत सारी बज रही है। अच्छा पिंकू, हेलो, हेलो, आवाज प्लेन रखिएगा इसकी। तो कोटा वालों कैसे हो? वाह भैया वाह। देखिए इस दुनिया में हर इंसान की एक दुकान होती है जहां पर वो अपना व्यापार करता है, और मैं आपको अपनी दुकान, अपना व्यापार दो लाइनों में समझा देता हूं कि हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना। हर मायूस को हंसाने का कारोबार है अपना, और दिलों के दर्द को खरीद लेता हूं, यही रोजगार है अपना। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है, स्वागत है। मैं अमित सोनी आरिस वेंट्रलिज्म आर्ट के साथ, जिसे पपेट आर्ट कहते हैं, और हम मातृभाषा में, हमारी हिंदी भाषा में इसे पेट बोला कहते हैं। उधर से साइड में कौन बोल रहा है? साइड में बहुत सारे बोलेंगे। तो दोस्तों, ये है मेरा मंकी दोस्त पपेट, जिसका नाम है पिंकू। तो पिंकू, आज हम कोटा के इस शानदार से मेले में आए हुए हैं, जहाँ कई प्यारी प्यारी सी जनता आज हमको सुनने के लिए आई है। हम यहाँ पर सभी को हंसाने और गुदगुदाने के लिए आए हैं। तो पिंकू, एक बार सभी का स्वागत करो, कहो लेडीज एंड जेंटलमैन। अबे लेडीज कहाँ है? लेडीज है ना, इधर साइड में लेडीज बैठी हुई, टेंशन मत ले। एक बार जोर से बोल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके लेडीज और लेडीज। कितने बज रही है यार? तालियां बहुत सारी बज रही। हेलो लेडीज। अबे सिर्फ लेडीज लेडीज क्या कर रहा है, इधर हमारे जेंटलमैन बैठे ना, ये नाराज हो जाएंगे यार। इनके लिए बोल, ऐसा बोल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके लेडीज, हेलो लेडीज। लेडीज लेडीज लेडीज। अबे सिर्फ लेडीज लेडीज मत करना, जेंटलमैन है, नाराज हो जाएंगे। इनके लिए, इनको भी हंसाने के लिए हम लोग आए हैं। ऐसा बोल, लेडीज एंड जेंटलमैन। ओके लेडीज। ये कौन है? ये फोटो वाले भैया हैं। हाँ, ये फोटो खींचो, खींच लिया, एक और खींचो, एक और खींचो, ऐसे बाबा रामदेव वाला खींच लिया, भगवान आपको खींचे। अबे ऐसा नहीं बोल रहे यार, ये फोटोग्राफर है, तुझे मालूम है फोटो वाले कौन होते हैं? कौन होते हैं? फोटो वाले वो होते हैं जो हमारी यादों को एक फ्रेम में संजो के रखते हैं। अरे नहीं, फोटो वाले वो होते हैं। कौन होते हैं? जिनको बचपन में घर घर झांकने की आदत होती है। पिंकू ऐसा नहीं होता है। अच्छा दोस्तों, मेरा जो है पिंकू है, बहुत अच्छे अच्छे गाने गाता है, बहुत अच्छी अच्छी शायरियां सुनाता है। पिंकू, एक शानदार सी शायरी हो जाए कोटा वालों के लिए, एक जोरदार शायरी सुना। अरे यार, कोटा वालों के लिए नहीं, तेरे लिए। मेरे लिए क्यों? अरे यार, आज तो बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अच्छा, मैं बड़ा खूबसूरत लग रहा हूँ? हाँ। तो ठीक है, मेरे लिए सुना दे। देखिए आज पिंकू मेरे लिए सुना रहा है। हाँ, मेरे लिए शायरी सुना दे। ओके, कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। अरे रुक जा। हाँ। कि तुझको देखा तो ये ख्याल आया कि कोटा में पागल खाने से नया माल आया। अबे तू क्या है, मेरी इज्जत खराब करने के लिए आया है क्या? नहीं, इज्जत तो उसकी खराब होती है जिसकी कोई इज्जत होती है। अबे
दोस्तों देख पिंकू, तेरे को शायरी सुनाना नहीं आती, मैं तुझे बताता हूँ शायरी कैसे सुनाते हैं। सुना। देख कि छम छम करती आई और छम छम करती चली गई। कौन, घोड़ी है क्या? अबे घोड़ी नहीं है लड़की, सुन। कि छम छम करती आई और छम छम करती चली गई, मैं हाथ में सिंदूर लेके खड़ा था, वो राखी बांध के चली गई। अबे तू क्या कर रहा है यार? हम यहाँ पर लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए आए हैं, मजाक पट्टी कर रहा है यार। अरे मजाक पट्टी करने के तो पैसे मिलते हैं। ये भाई साहब किधर जा रहे हैं? ये भाई साहब किधर जा रहे हैं? ये भाई साहब कहीं जा रहे होंगे, इनको कोई काम होगा। इतनी रात को? हाँ इतनी रात को इनका फोन आया होगा। अरे इतनी रात को सिर्फ दो लोगों का फोन आता है। किसका? एक तो उधार का, दूसरा जुगाड़ का। अरे क्या बात है यार बिंगू, तुझे तो कोटा वाले बड़े प्यार करते हैं यार। हाँ कोटा वाले प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि कोटा वाले सेटिंग बाज है। कोटा वाले सेटिंग बाज है। अच्छा तुझे मालूम है विश्व में सबसे ज्यादा पढ़ाई यहीं पर होती है, सबसे ज्यादा पढ़ने लिखने वाले बच्चे यहीं पर आते हैं। अच्छा बिंगू तुझे मालूम है हम जब भी कहीं पर अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, अपना इवेंट स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में दो ज्ञान की बात कहते हैं। ज्ञान की बात? और तू? अबे तुझे याद है ना, एक लाइन तेरी है एक मेरी है। ओके हाँ, तो दोस्तों जब भी टू व्हीलर वाहन चलाएं सिर पर हेलमेट जरूर लगाएं, और जब भी फोर व्हीलर गाड़ी चलाएं सीट बेल्ट जरूर लगाएं। अब तुझे मालूम है ना एक लाइन मेरी है और एक तेरी है। हाँ हाँ ओके। हाँ तो हमारे देश के नौजवान भाइयों को अपनी बॉडी को हिट और फिट रखने के लिए खाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? अबे भूल गया क्या, एक लाइन तेरी है एक मेरी है। ओके हाँ तो हमारे देश के नौजवान भाइयों को अपनी बॉडी को हिट और फिट रखने के लिए खाना चाहिए विमल गुटका। अबे ओए तू क्या यहाँ मुझे पिटवाने के लिए लाया है क्या? हाँ देख पुलिस वाले तैयार है पीछे। अबे वो तो हमारी रक्षा कर रहे हैं। हाँ देख तीन ये जा रहे हैं रक्षा करने के लिए। सर क्या? अरे नहीं। अच्छा पिंकू हमारे इन देश के नौजवान भाइयों को अपनी बॉडी को हिट फिट रखने के लिए विमल गुटका नहीं काजू बादाम खाना चाहिए। ओके अगली लाइन याद है ना, भूलना मत। हाँ हाँ याद है। और हमारी इन महिलाओं को, हमारे देश की इन महिलाओं को स्लिम और खूबसूरत दिखने के लिए पीना चाहिए दारू। अबे तू कैसी बातें कर रहा है यार पिंकू, ऐसा थोड़ी होता है यार, इनको स्लिम और खूबसूरत दिखने के लिए जूस पीना चाहिए जूस। ओके हाँ। अच्छा पिंकू एक बात बता, तेरे में दिमाग है? हाँ। तो एक बात बता तुझे इंग्लिश आती है? हाँ। इंग्लिश आती है? हाँ। तो अच्छा एक बात बता पिताजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फादर। अरे वाह यार क्या बात है। और मम्मी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मदर। वाह क्या बात है यार। और चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। वेरी गुड, तुझे तो बहुत सारी इंग्लिश आती है यार। तो चाचा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अंकल। और चाची को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंटीना। अबे एंटीना नहीं कहते उसको, आंटी कहते हैं, आंटी। ओके ओके आंटी। चाची को क्या कहते हैं? आंटी। और चाचा चाची के बच्चों को क्या कहते हैं? एंटीवायरस। अबे एंटीवायरस नहीं कहते, चाचा चाची के बच्चों को अपना भाई कहते हैं यार, तू क्या आदमी है। अच्छा पिंकू एक बात बता मुझे, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि मैं इंदौर रहता हूँ, अपने इवेंट करता रहता हूँ, लेकिन ये जो मेरा दोस्त है पिंकू इसकी मुंबई में सरकारी नौकरी है। यार पिंकू तुझसे मुझे एक बात पूछना थी। क्या? कि जब भी कोई इवेंट आता है तू हर इवेंट में आ जाता है यार, तेरी सरकारी नौकरी है उसके बाद भी तुझे छुट्टी कैसे मिलती है? अरे यार बहुत आसान है। बहुत आसान है? जब भी तुझे इवेंट आता है तू छुट्टी कैसे लेता है? अरे यार मैं अपने सांप के पास जाता हूँ और सांप को कहता हूँ कि सांप, अरे सांप मुझे छुट्टी दे दो, आज मेरी सासू मर गई। छुट्टी मिल जाती है? हाँ। चल एक छुट्टी मांगी, सासू मर गई, छुट्टी मिल गई।
लेकिन इवेंट तो रोज आते हैं, अगर अगला इवेंट आए तो फिर क्या करता है? अरे यार फिर मैं अपने सांप के पास जाता हूँ और सांप को कहता हूँ, सांप, अरे सांप। अबे ओए, रो रहा है कि गा रहा है? अरे सांप, आज मुझे छुट्टी दे दो, आज मेरा ससुर मर गया। अच्छा, एक दिन सासू मर गई, एक दिन ससुर मर गया, लेकिन इवेंट तो रोज आते हैं यार, तू बार 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 छुट्टी कैसे लेता? अगर मान लो अगला फिर इवेंट आ गया तो फिर कैसे छुट्टी लेगा? अरे यार बहुत आसान है, सांप के पास जाता हूँ और सांप को कहता हूँ, सांप, सांप मुझे छुट्टी दे दो, आज मेरी सासू मर गई। अबे एक बार सासू मर गई, एक बार ससुर मर गया, फिर एक बार सासू मर गई, ये कैसे हो सकता है यार? अरे यार यही सवाल मेरे सांप ने भी मुझसे पूछा था। फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा सांप क्या करूं, सासू मरती है ससुर दूसरी शादी कर लेता है, ससुर मरता है सासू दूसरी शादी कर लेती है। अच्छा, ये लो बड़े हैं। वाह यार पिंकू। दोस्तों मेरा ये पिंकू है, बड़ा मजा किया है, अगर आपको मजा आ रहा है तो जोरदार तालियां बजा सकते हैं। अगर आपको मेरा पिंकू पसंद आ रहा है तो एक बार जोरदार तालियां बजा सकते हैं, और अगर नहीं पसंद आ रहा है तो स्टेज के पीछे आके इसको बजा सकते हैं। अबे एक बात बता, तू इतना अच्छा कलाकार है, बड़े बड़े स्टेज शो करता है, मुंबई तक तेरी फिल्मी दुनिया में जान पहचान है, उसके बाद भी यार तू इतने गंदे काम क्यों करता है? अरे यार कौन सा गंदा काम? ये हमारे सामने डॉक्टर साहब बैठे हैं गुलाटी जी, ये मुझे बोल रहे थे, बोले तुम्हारा जो मंकी पपेट है, तुम्हारा जो बंदर है बड़ा चालू आदमी है। क्यों, क्या हो गया? बोल रहे थे, बोले रोज मेरे क्लिनिक पर आ जाता है और 12 बजे से 3 बजे तक आती जाती महिलाओं को देखता रहता है, आती जाती महिलाओं को ताड़ता रहता है, ऐसा क्यों करता है यार? ये गलत काम है ना? अरे नहीं, इसमें डॉक्टर साहब की गलती है। डॉक्टर साहब की गलती है? अरे डॉक्टर साहब की क्लिनिक पर तू जाता है, 12 बजे से 3 बजे तक आती जाती महिलाओं को तू ताड़ता रहता है, तू देखता रहता है, तो इसमें गलती तेरी है ना? अरे नहीं, इसमें डॉक्टर साहब की गलती है। डॉक्टर साहब की क्या गलती है? उन्होंने अपने क्लिनिक के बाहर एक बोर्ड लगाया है और उस पर लिखा है क्या कि महिलाओं को देखने का समय 12 से 3। तो दोस्तों अगर मजा आए तो प्लीज एक बार जोरदार तालियां, फिर से आपको हंसाने, आपको गुदगुदाने, मैं और मेरा पिंकू फिर से स्टेज पर आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।